सुबह के हो रही हैं 10:52 और वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन, दिस इज शुभम एंड होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो फाइनली अब मैंने जो आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ट्रेनों के मैं अपडेट आपको यहां पर देने वाला हूं और बताया था कि कौन कौन सी ट्रेनें हैं जिनको एक्सटेंड करने वाला है रेलवे, यानी कि जिनमें कोचेज की संख्या बढ़ाई जाएगी। तो फिलहाल मेरे पास ये कुछ नंबर हैं, जैसे कि नंदा देवी एक्सप्रेस में 6 एसी कोच बढ़ाए जाएंगे, नई दिल्ली देहरादून शताब्दी जन शताब्दी में 5 एसी कोच बढ़ाए जाएंगे, उज्जैन एक्सप्रेस में 2 एसी और 2 स्लीपर कोच बढ़ाए जाएंगे, देहरादून इंदौर में 2 एसी और 3 स्लीपर कोच बढ़ाए जाएंगे, देहरादून सहारनपुर पैसेंजर में 6 जनरल कोच, दून एक्सप्रेस यानी कि 13:010 में और 2 एसी और 1 स्लीपर कोच, देहरादून कोचीवैली में 2 एसी और 1 स्लीपर कोच, नई दिल्ली शताब्दी में 2 एसी कोच चेयर कार कोच, उपासना एक्सप्रेस में 1 स्लीपर कोच, राप्ती गंगा मुजफ्फरपुर यानी कि 15,002 में 1 एसी 3 स्लीपर और 1 जनरल कोच, 15,006 में 1 एसी 3 स्लीपर और 1 जनरल कोच, देहरादून अमृतसर 14,631 में 2 एसी और 1 स्लीपर कोच, दून एक्सप्रेस यानी कि 14,266 में 1 एसी कोच और देहरादून काठगोदाम एक्सप्रेस में 5 एसी और 1 स्लीपर कोच की बढ़ाने की संभावना ऐसी रेलवे ने बताई है और बढ़ाने की संभावना है। तो देखते हैं कि रेलवे इन जो कोचेज हैं, जो ट्रेनें हैं, इनमें कोचेज की संख्या बढ़ाता है या नहीं। बट कुछ जो ट्रेनें हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूँ 19,565 यानी कि ओखा देहरादून कोचीवैली देहरादून, इन ट्रेनों में ऑलरेडी अभी रिसेंटली यानी कि 1-2 साल से, ओखा एक्सप्रेस में अगर बात करूँ तो 6 महीने से और कोचीवैली में 1 साल से ऑलरेडी स्लीप कोचेज बढ़ाए जा चुके हैं। बट चूँकि पहले देहरादून रेलवे स्टेशन छोटा था तो उसमें ये जो कुछ कोचेज करीब 8 कोचेज हरिद्वार स्टेशन पर डी अटैच कर दिए जाते थे और बाकी की जो ट्रेन करीब 13-14 कोचेज के साथ देहरादून रेलवे स्टेशन तक जाती थी। बट क्योंकि अभी इन ट्रेनों में 21 कोचेज लगभग दोनों ही कोचेज अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 21 से 22 कोचेज के साथ ये ट्रेनें चल रही हैं अभी और लिंक इसको बोल सकते हैं हम। और जहाँ तक है कि अभी भी ये ट्रेनें लगभग 2 से 3 कोचेज ही ये जाएंगे तो देहरादून इनमें इन ट्रेनों में तो नहीं बढ़ेंगे। और जो देहरादून एक्सप्रेस है 90-20 देहरादून एक्सप्रेस वो 16 कोचेज के साथ चलती है, बट क्योंकि मंदसौर भी उसके साथ में आते हैं मेरठ तक और मेरठ से आगे तक 16 कोचेज के साथ में चलते हैं तो वो अब डी अटैच नहीं की जाएगी, पूरे 16 कोचेज के साथ देहरादून रेलवे स्टेशन तक जाएगी। और अगर बात करूँ और शताब्दी, तो शताब्दी में ऑलरेडी 16 कोचेज हैं और जन शताब्दी में 14 कोचेज लगते हैं और उज्जैनी में करीब 13 कोचेज, उज्जैनी देहरादून और देहरादून इंदौर में 13 कोचेज लगते हैं। और जो चेन्नई सुपरफास्ट है वो चूँकि लिंक एक्सप्रेस बन के चलती है चंडीगढ़ के साथ में तो वो एज इट इज़ इतनी कोचेज के साथ जाएगी। बाकी और जो ट्रेनें हैं जो डी अटैच होकर चलते थे हरिद्वार तक, कम से कम अब 18 कोचेज के साथ वो ट्रेनें चलेंगी। अगर कोई ट्रेन 18 ज़्यादा कोचेज के साथ तो उसमें जितने एक्स्ट्रा कोचेज हैं यानी कि 18 के बाद में वो सब हरिद्वार स्टेशन पर डी अटैच कर दिए जाएंगे। बाकी ट्रेन 18 कोचेज के साथ अब मैक्सिमम 18 कोचेज के साथ तो चलेगी ही चलेगी। और जो मैंने आपको लिस्ट बताई है ये करीब करीब संभावना कि रेलवे शायद इनमें बढ़ा दे, और क्योंकि नंदा देवी में 12 कोचेज हैं इसलिए रेलवे उसमें बढ़ाएगा ज़रूर और पैसेंजर्स की जो संख्या उसको एडजस्ट करने के लिए, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ये काम रेलवे ज़रूर करेगा। सो आई होप यू गाइस लाइक द वीडियो, सो एंजॉय द वीडियो, लाइक वीडियो, शेयर वीडियो एंड कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसी वीडियोस के लिए। और जैसे कि मैंने बताया कि जल्दी आपको वीडियो अपडेट मिलेगी मुजफ्फरनगर से धौरीकरण के बारे में, तब तक जुड़े रहिए चैनल के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।